बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये स्ट्रक्चर्स तक पढ़ा दिया था नाइट्रोजन ऑक्साइड के। अब जो है इस क्लास से वॉइस कम आ रही है, वॉइस ठीक आ रही है बेटा, कम आ रही है? हाँ बच्चों, अब वॉइस ज्यादा आ रही होगी। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन तक पढ़ा दिया था। अब जो है हम नाइट्रिक नाइट्रोजन के एसिड से चालू करते हैं। अब बेटा वॉइस प्रॉपर आ रही है? यस। चलो, तो नाइट्रोजन के दो एसिड्स हैं, हाइड्रोजन एसिड्स जो हैं दो हैं, या ऑक्सी एसिड दो हैं, एक है HNO2 और एक है HNO3, या एक और नाम दिया हुआ है, दैट इज H2N2O2, दैट इज हाइपोनाइट्रस एसिड। ठीक है, तो तीन हो गए टोटल, हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है हमको HNO3 के बारे में। ठीक, तो चलो HNO3 के बारे में हम पढ़ते हैं। बेटा मैंने ग्रुप पे डाल दी थी रिकॉर्डिंग, आपको डाउट ग्रुप्स पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, सब पे मैंने रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दी थी। ऐसा है, यदि आप किसी ग्रुप पे नहीं है तो आप किसी ना किसी ग्रुप पे रहें तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, है ना? मैंने डाली थी बेटा, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाली है और डाउट ग्रुप पे भी डाली है। आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दें जिन जिनको रिकॉर्डिंग नहीं मिली है, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। इन लेबोरेटरी नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग KNO3 और NaNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन कैसे करते हैं? बहुत ही सरल है, NaNO3 को लो और NaNO3 को H2SO4 के साथ में रिएक्शन करा लो। ठीक है बेटा, जिन जिनको रिकॉर्डिंग नहीं मिली है वो मेरे को मैसेज कर देना मेरे फोन नंबर पे, है ना बेटा? जिन जिन को रिकॉर्डिंग नहीं मिली है ना, मेरे फोन नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर देना, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक, NaNO3 जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करके क्या बना देगा, एक H इधर ट्रांसफर हो जाएगा, NaHSO4 प्लस HNO3 मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलो इसको मिटा देते हैं। ये क्या हुआ, ये हुआ लैब मेथड। इसके बाद में और मेथड यूज करते हैं अपन HNO3 के प्रिपरेशन के लिए। लार्ज स्केल पे ओस्टवाल्ड प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है, लार्ज स्केल पे ओस्टवाल्ड प्रोसेस का प्रयोग करते हैं हम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ HNO3। ठीक है बेटा, हाँ मिल जाएगी बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में कैसे प्रिपेयर करते हैं अपन, सबसे पहले अमोनिया ले लो, अमोनिया को O2 के साथ में रिएक्ट कराया अंडर प्लेटिनम गेज, प्लेटिनम RH गेज, और टेम्परेचर कुछ रख दिया, दैट इज 500 केल्विन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ 9 bar, एंड प्रेशर ऑफ 9 bar। ऑब्वियसली प्लेटिनम क्या करेगा, बॉन्ड तुड़वाने में मदद कर देगा अमोनिया के, O2 के, और फाइनली जो है NO और H2O बन जाएगा। जो NO है वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO2 बना लेगा, और NO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके HNO3 और NO बना देगा। क्लियर है बेटा इतनी बात आप लोग? NO इज फॉर्म्ड, यदि देखा जाए तो NO दस फॉर्म्ड इज रिसाइकल्ड एंड एक्वस HNO3 कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड By distillation up to 68% by mass. तो ये जो ओस्टवाल्ड प्रोसेस होता है इसमें जो HNO3 हम ऑप्टेन करते हैं पूछते हैं एग्जाम में वो कितने परसेंट होता है, तो वो 68% by mass होता है। यदि फर्दर इसका कॉन्सेंट्रेशन करना है आपको तो आपको क्या करना चाहिए, डीहाइड्रेशन करा दे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में। तो याद हो गया सब बच्चों को, सबसे पहले हमने क्या किया, बदबू मारती हुई अमोनिया ले आए, अमोनिया को क्या किया O2 के साथ रिएक्ट कराया, RH प्लैटिनम गेज की मदद से बनाया क्या NO, NO से क्या बनाया NO2 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और NO2 के मुंह पे क्या मारा, पानी, और क्या बना दिया
HNO3। डिस्टिलेशन के द्वारा 68% HNO3 को प्राप्त कर लिया। इसके बाद में हमने इसका इसको कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ मिलाया। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 आपको पता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो वो क्या करेगा, वाटर को खींच लेगा और 98% तक प्योर HNO3 बना देगा। सबसे पहले याद हो गया ये मेथड आप लोग को, ठीक बेटा। अब प्रॉपर्टीज की बात करें, HNO3 कलरलेस होता है बेटा। अब क्योंकि HNO3 में काफी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। आप देखो 355.6 केल्विन है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट 231.4 केल्विन है, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। लेबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड जो होता है 68% बाई HNO3 या 68% बाई मास होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.504। स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। लेबोरेटरी ग्रेड में 68% HNO3 होता है, ये आप एक बार सुन सकते हो, एग्जाम में आया तो निशान लगा देना। मैं आपको वापस से बता दूं, NCERT खोद खोद के नहीं पूछते हैं, सुपरफिशियल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आसान टाइप के फैक्ट पूछे जाते हैं ना। ऐसा नहीं है कोई छुपा हुआ फैक्ट है उसको ढूंढ के निकाला उसके बाद में पूछ लिया, ऐसा बहुत कम देखा गया है, ऐसा बहुत कम देखा गया है। 45 में से लगभग मैं बोल सकता हूँ आपसे कि 42 से 43 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिनमें कोई ऐसा मतलब भयानक फैक्ट नहीं पूछा गया है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़े। नाउ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप जानते हो बेटा जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होता है वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, डाइल्यूट भी होता है। HNO3 टूट जाता है H2+NO2, ये कॉन्सेंट्रेटेड की बात कर रहा हूँ, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है बेटा, ये नेसेंट ऑक्सीजन फर्दर क्या करा देगा, ये फर्दर करा देगा बच्चों ऑक्सीडेशन। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करा देगा बेटा, ये करा देगा फर्दर ऑक्सीडेशन। क्या बात क्लियर है सब लोगों को? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 था, यदि डाइल्यूट होता तो NO बना देता, ठीक है बेटा। अब यदि देखा जाए तो क्या रिएक्शंस होती है, कॉन्सेंट्रेट HNO3 जो होता है वो कॉपर के साथ रिएक्ट करके क्यूबिक नाइट्रेट बना लेता है, लेकिन वो डाइल्यूट वाला है। कॉन्सेंट्रेट वाला क्या करता है, कॉन्सेंट्रेटेड वाला जो होता है वो NO2 बनाता है। देखो बहुत सरल है बात, समझना मेरी बात को। ये है आपके पास HNO3, HNO3 काय में गया H2+NO2+O, ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ने किया, ठीक है बेटा। ये कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर के साथ रिएक्ट करके HNO3 बनाएगा, सॉरी कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा HNO3, सॉरी 2HNO3। आप कहो तो इसको बोर्ड पे कर दूं क्या, क्योंकि इस पे बहुत सुंदर नहीं आ पा रहा है, आप कहें तो इसको बोर्ड पे कर दें बेटा। जिंक के साथ रिएक्शन और, ठीक है ना बेटा, इस पे बहुत सुंदर बहुत अच्छा नहीं आ पा रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूं, इसको मैं सारी रिएक्शंस को बोर्ड पे कर देता हूं आपके लिए, ठीक है ना बेटा। जिंक की रिएक्शन है और है कॉपर की रिएक्शन, उसके बाद में यही रिएक्शन I2 के साथ, कार्बन के साथ, सल्फर के साथ, फॉस्फरस के साथ है। मैं इसको हटाता हूं यहां से और बोर्ड पे करता हूं, ठीक है बेटा। चलो लेट अस यूटिलाइज दी बोर्ड फॉर दिस प्रोसेस। देखो बेटा ये मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है, मान लो 2 मोल कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लिया, तो टूट जाएगा H2+NO2+O, और कॉपर जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो O+HNO3 2 मोल ही H2O बाहर निकल जाएगा यहाँ से, एंड इट विल गिव यू क्यूब्रिक नाइट्रेट, इट विल गिव यू क्यूब्रिक नाइट्रेट। पहले देखो रिएक्शन बैलेंस है क्या, तो इसको इधर से मिटा देते हैं, ये 2 कर देते हैं, 2 नाइट्रेट हो गया, बिल्कुल रिएक्शन बैलेंस है। मैं इसको यू ले आऊंगा, इसको यू ले आऊंगा, ये हो जाएगा कॉपर प्लस 4 मोल HNO3, क्योंकि O से O मर जाएगा, ये वाला O और ये वाला O कट जाएगा, गिव्स मी H2O+2NO2+cupric nitrate, ठीक है ना। ये रिएक्शन किसके साथ थी, कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ थी। ऐसा मानो कि यदि यही रिएक्शन में डाइल्यूट HNO3 के साथ करा दूं, यदि यही रिएक्शन में
डाइल्यूट HNO3 के साथ बच्चों करा दो तो क्या होगा, जो HNO3 है वो H2O बनाएगा प्लस NO बनाएगा प्लस O बनाएगा, दो मोल HNO3, तो ये क्या बन गया, H2O बन गया, NO बन गया और O बन गया। इसको बैलेंस करने के लिए दो करना पड़ेगा, इधर तीन करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, इधर हमने तीन कर दिया। अब क्या होगा कि इधर देखा जाए तो अब ये कॉपर जो है HNO3 के साथ रिएक्ट कर जाएगा प्लस O जो ऊपर से आया, एंड इट फॉर्म्स क्यूप्रिक नाइट्रेट वंस अगेन, इट फॉर्म्स क्यूप्रिक नाइट्रेट वंस अगेन, और इधर मेरे को दो मोल HNO3 लेना पड़ेगा, ये H2O इधर से बाहर निकल जाएगा, और H2O बाहर निकला, पर मेरे को पता है कि यहाँ तीन O बन रहे हैं और यहाँ पर कितना O है, यहाँ तो एक ही O इस्तेमाल हुआ है, तो क्या मेरे को इस रिएक्शन को तीन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर देंगे, तीन तीन 3O और ये 6HNO3 हो जाएगा और ये 3 कॉपर हो जाएगा। अब मैं इन सबको इकट्ठा करके यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो 3O से 3O इधर कट जाएगा बेटा, और यहाँ पर हो जाएगा 3Cu प्लस 2 और 6 8HNO3 एंड दैट गिव्स मी H2O, एक मोल ये और चार मोल ये, चार मोल प्लस 3Cu NO3 whole twice plus 3 mole, sorry 4 mole H2O पहले ही हो गया है, plus 2 mole NO। ये बेटा रिएक्शन, इस तरीके से हमको इस रिएक्शन को देखना, इसी प्रकार से जिंक के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, पहले आप इसको उतार लो फिर मैं जिंक के साथ आपको यही चीज बताता हूँ, जल्दी से इसको उतार लो। ठीक बेटा, आई होप सो आप सब लोगों ने इसको उतार लिया होगा बेटा, ठीक है ना उतार लिया सब लोगों ने। ओके, अब जिंक के साथ यही रिएक्शन जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है वो मैं आपको बताता हूं कि जिंक के साथ ये रिएक्शन एनसीईआरटी में किस तरीके से बताई हुई है। ठीक बेटा, तो जिंक के साथ ले लेते हैं। जिंक के साथ जो रिएक्शन दी है उसमें क्या किया है, उसमें आई सपोज इन्होंने तीन चीजें की होंगी, जिंक के साथ में N2O भी बनाया हुआ है ना, क्या क्या दिया बेटा जिंक के साथ में एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें दी है, एक में NO2 बनाया हुआ, एक में जो है उन्होंने N2O बना दिया होगा, है ना। तो लेट अस टेक ऑन कि कैसे वाली रिएक्शन हमको करनी है, जिंक प्लस HNO3, सबसे पहले कंफर्म करो क्या ऐसा ही किया एनसीईआरटी, HNO3 क्या हुआ, टूट जाएगा, काइमेन टूट जाएगा, H2 प्लस NO2 प्लस O में टूट जाएगा, ठीक है ना। देखो एक सीरीज होती है, मैं आपको बताऊं जिससे आपको एक ओवरऑल पिक्चर आएगी, हालांकि फिर एनसीईआरटी में नहीं दी है ये सीरीज, लेकिन फिर भी आपको एक ओवरऑल पिक्चर उससे क्लियर हो जाएगी, है ना। जैसे मैं यहाँ लिखूं टाइप ऑफ मेटल, ये मॉड्यूल में दी है, यहाँ पर मैं लिखूं टाइप ऑफ मेटल, है ना, और उसके बाद मैंने लिख दिया इधर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, यहाँ पर लिख दिया डाइल्यूट HNO3, और थर्ड वाले कॉलम में लिख दिया वेरी डाइल्यूट HNO3, वेरी डाइल्यूट HNO3, ठीक है बेटा। बहुत ज्यादा डिटेलिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं, वरना बेटा इसी पे बहुत सारा पढ़ लेता पेपर, है ना, मतलब बहुत कंट्रोल करना पड़ता है पढ़ाने में, और बहुत कम चीजें एक्सटेंड करनी पड़ती है, क्योंकि हमको पता है पूरा पेपर एनसीईआरटी से आ रहा है, तो बहुत ज्यादा एक्सटेंड करने में फालतू का लिटरेचर बढ़ जाता है, और नॉलेज तो होती है, अच्छा भी लगता है कि वाह यार क्या बढ़िया नॉलेज है, कोई देखेगा भी तो कहेगा अरे वाह यार कितना अच्छा नॉलेज मिल पाया गया, लेकिन वो नॉलेज जो है ना वो आपके लिए घातक हो रही है, जो चीजें आपको बहुत पसंद आती हैं वो चीजें एग्जाम में हमारे लिए घातक हो रही है, क्योंकि ओवर फैक्ट से अपन घिर जाते और फाइनली एग्जाम में जाके परफॉर्म नहीं कर पाते, काम की बात याद नहीं रहती है, फालतू की चीजों में ज्यादा पड़ जाते हैं, एनसीईआरटी ही एग्जाम में आ रही है आपको, तो अपन बहुत कम डेविएट करते हैं, मतलब आप मुझे समझो मैं कैसे कंट्रोल करता हूँ, इतना सारा पढ़ने के बाद मैं सिर्फ उतना ही पढ़ाता हूँ जितना एग्जाम में आ रहा है,
तो वो कंट्रोल सिस्टम टीचर को और स्टूडेंट को दोनों को ही मेंटेन करना पड़ता है। टीचर भी मेंटेन करे और स्टूडेंट भी इस बात को समझे कि एग्जाम में जो आ रहा है हमको वो पढ़ना है, ना कि कुछ तो भी पढ़ना है। समझ रहे हो बात को? ऐसा तो टाइप ऑफ मेटल, तो सबसे पहले वो वाले मेटल ले लें जिनका नेगेटिव एसआरपी होता है, जिनका नेगेटिव एसआरपी होता है मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद वो मेटल जिनका पॉजिटिव एसआरपी होता है, पॉजिटिव एसआरपी मतलब हाइड्रोजन के नीचे वाले मेटल, और फिर आता है नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स एंड एसएल, ठीक। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ अच्छी बात ये तीनों ही NO2 देते हैं, तीनों ही NO2 देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। डाइल्यूट HNO3 के साथ ये N2O देता है और ये NO देता है, ये N2O देता है और वो NO देता है, और लास्ट वाला जो है वो अमोनियम नाइट्रेट देता है। ये रिएक्ट नहीं करता, ये रिएक्ट नहीं करता, ये रिएक्ट नहीं करता, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया, वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ में अमोनियम नाइट्रेट ओब्लिक अमोनियम। अब ये बात याद रह सकती है और कई किताबें इस बात को लिखती हैं, इसलिए फिर भी अपन को डिस्कस एक बार छोटा सा कर लेना चाहिए, ऑल्दो इट इज नॉट पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी। 95% चांस है कि कुछ नहीं आना इसमें से, 5% चांस है कि कुछ पूछ सकता है, ठीक, लेकिन है बहुत सरल। एसआरपी वैल्यू जिनका नेगेटिव है मतलब जो ऊपर है, हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, लेके बराज श्री काना मजे से आला मंजे को फेंक के कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरी वो जो चलता है ना, फिर हाइड्रोजन, फिर छापा एलिमेंट होते हैं कॉपर, Ag, Hg, Au, ये सब एलिमेंट होते हैं, ये सब हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, और हाइड्रोजन के ऊपर जैसे कि जिंक आता है, ठीक है बच्चों। अब सोचो यदि मान लो कॉपर ने जब रिएक्ट किया था जो हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है, कॉन्सेंट्रेट साथ तो NO2 बनाया, डायल्यूट के साथ NO बनाया, कहां गया पॉजिटिव एसआरपी, डाइल्यूट के साथ NO बनाया, जबकि जिंक जब रिएक्ट करेगा तो कॉन्सेंट्रेट साथ NO2 बनाएगा, डाइल्यूट के साथ N2O बनाएगा, और वैल्यू डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करके अमोनियम नाइट्राइड बना देगा। नॉन मेटल मेटलॉइड और SN जो है ये NO2 बनाएगा, ये दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्या इतनी बात सबको याद हो गई है बेटा, क्या इतनी बात सबको याद हो गई है? जो हाइड्रोजन के नीचे है, जो हाइड्रोजन के नीचे है वो जब रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन के जो नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब वो रिएक्ट करता है तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव एसआरपी वाला NO2 बनाएगा, NO बनाएगा, वेरी डाइल्यूट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। जो ऊपर है वो रिएक्टिव होता है, NO2, N2O और अमोनियम नाइट्राइड बनाएगा। नॉन मेटल मेटलॉइड्स NO2 बनाएगा लेकिन डाइल्यूट और वेरी डाइल्यूट के साथ वो रिएक्शन नहीं करेगा। अब कॉपर की रिएक्शंस तो आप देख चुके थे, अब मैं आपको दिखाता हूँ रिएक्शन किसके, अब मैं आपको दिखाता हूँ, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो, इसके बाद मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, वैसे आपको मॉड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है बेटा। ओके, इतना समय काफी था। अब बेटा यदि बात करें तो जिंक के साथ ये रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूँ, जिंक के साथ क्या बन रहा था, जिंक के साथ में जब ये रिएक्ट करता है कौन, कॉन्सेंट्रेटेड, तो कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्ट करने पर बनता है N2O, डाइल्यूट के रिएक्ट करने पर बनता है लाफिंग गैस N2O, और वैल्यू डाइल्यूट के रिएक्ट करने में बनता है अमोनियम नाइट्रेट। चलो बात करते हैं, सबसे पहले बात की जाए तो HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड के साथ जब रिएक्ट करता है तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हर बार टूट के क्या देता है बच्चों, H2 प्लस NO2 प्लस O, दो मोल बैलेंस है, थोड़ी देर पहले अपन ने ऐसे सीखा। जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, ये ऑक्सीजन ऊपर से आ रहा है प्लस 2 HNO3 ले लेंगे बच्चों, इधर से H2O को बाहर निकाल देंगे और जिंक का नाइट्राइट बन जाएगा, एंड वी विल फॉर्म ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O, इनको मिला देंगे और मैं लिख दूंगा Zn प्लस 4 HNO3 एंड दैट गिव्स मी 2 H2O प्लस 2 NO2 प्लस ZnNO3 होल ट्वाइस, O ने O को मार दिया। ना अगली बात करते हैं, 2 HNO3 जब आप डाइल्यूट ले लोगे
तब ये क्या बनाएगा बच्चों, क्या ये लाफिंग गैस बनाएगा? N2O प्लस बैलेंस करें तो N2 हो गया, ऑलरेडी बैलेंस है, तो इधर शायद 4O आ जाएगा। अब सही है, जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, इधर O हो गया और 2 मोल HNO3 के साथ ये खेल लेगा। जब खेलेगा तो H2O बाहर निकल जाएगा बेटा और बन जाएगा ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। एक विडंबना ये है कि ऊपर 4 ऑक्सीजन निकला है और नीचे यूटिलाइज सिर्फ 1 हुआ है, मतलब बात सरल है, हम इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं किससे, 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मोल जिंक, 4O, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो गया 4 और ये भी 4। और इन सबको जब हम आपस में कंबाइन कर देंगे तो वी विल हैव 4 मोल जिंक reacting with 10 mole HNO3 and that gives me H2O 1 or 4, 5 mole H2O plus N2O plus 4 mole ZnNO3 whole twice. I hope so, सब बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। ऐसी ही रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है, मैंने सिर्फ उसको थोड़ा अच्छे से आपको समझा दिया जिससे आपको याद रह जाए। क्लियर बेटा इतनी बात, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है बच्चों? ठीक है, तो ये हो गई आपकी रिएक्शन जिंक के साथ में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, मिटा दूं बेटा इसको मैं, यदि आप लोग कहेंगे तो मिटा देंगे, ठीक है, ओके ओके ठीक। चल अब यही रिएक्शन यदि मैं देखूं किसके साथ में बेटा, नॉन मेटल्स के साथ में। जैसे मान लो मेरे पास HNO3 है, नॉन मेटलॉइड और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा था, H2O, और ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड वाला रिएक्ट कर रहा था, प्लस NO2 प्लस O, दिस इज 2। मान लो कार्बन के साथ रिएक्ट किया तो 2O रिएक्ट करके क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। मान लो सल्फर के साथ रिएक्ट किया तो 2O रिएक्ट करके क्या बना देगा, SO2, जो फर्दर रिएक्ट करके SO3 बना सकता है, और यदि पानी मौजूद रहा तो सल्फ्यूरिक एसिड भी बन सकता है, यदि पानी वहां पे रहेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड भी बना देगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बात समझ में आ रही बेटा सबको? मान लो यहाँ फॉस्फरस होता तो फॉस्फरस होगा तो यहाँ मैं 2 मोल फॉस्फरस या 4 मोल फॉस्फरस ले लेता हूँ और 10 मोल O ले लेता हूँ, इट विल फॉर्म P4O10 जो कि पानी की प्रेजेंस में 4 मोल H3PO4 बना देगा ऑन हाइड्रोलिसिस। मैं समझाऊंगा कैसे P4O10 का हाइड्रोलिसिस होता है और H3PO4 बनता है जब फास्फोरस वाला टॉपिक अपन आगे पढ़े। ठीक, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, मान लो आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 आयोडीन 5O के साथ रिएक्ट करके I2O5 बना लेगा जो कि पानी की प्रेजेंस में ऑब्वियसली HIO3 बना देगा। ठीक है बेटा, और इसके बाद में आयोडिक एसिड बन जाएगा, इसके बाद में क्या होगा, जैसे बोरॉन रिएक्ट कर रहा है तो वो भी O के साथ रिएक्ट कर सकता है, ये 2 और ये 3 वैलेंसी के हिसाब से फिट करना है, B2O3 बन जाएगा, पानी के साथ रिएक्ट करके ये H3BO3 बना सकता है। ठीक बेटा, तो इस तरीके से ये सब रिएक्शंस यहाँ पर हो सकती हैं। यदि मान लो आपके पास H2S होता तो इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये H2O बाहर निकल जाता बेटा और इधर बन जाता H2O प्लस आपको सल्फर प्राप्त हो जाता। यदि SO2 आपके पास होता तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में SO3 बना देता जो कि फर्दर पानी की प्रेजेंस में H2SO4 बना सकता था। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से जो है सारी रिएक्शन जो है मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा जो सी ग्रेफाइट होता है वो HNO3 की प्रेजेंस में ग्रेफाइटिक एसिड बना देता है, C6COOH whole 6, this is also called as maleic acid. आ गया सबको बात समझ में? तो इस तरीके से ये मैंने आपको रिएक्टिविटी बता दी, किसकी रिएक्टिविटी बता दी बेटा, HNO3 की रिएक्टिविटी बता दी। ठीक है बच्चों, अब कुछ बातें और इसके बारे में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है बेटा, अब
एक चीज जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि HNO3 किस मेटल्स के साथ, किन मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो आपने सुना होगा कई बार कि कुछ लोग HNO3 के साथ पैसिव हो जाते हैं, कुछ लोग HNO3 के साथ पैसिव हो जाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हुआ, बेरिलियम हुआ, दे बिकम पैसिव विथ HNO3। तो बेटा बेरिलियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम एंड बेरिलियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन डू नॉट रिएक्ट विथ, डू नॉट रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म ओवर देम। ठीक है बेटा, इसके अलावा AU एंड प्लेटिनम do not react with concentrated HNO3। आपको याद है एक्वा रिजिया से रिएक्ट करते हैं 3 mol HCl और 1 mol HNO3 के साथ में, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ में वो रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, AU एंड PT reacts with aqua regia, एक्वा रिजिया जो कि क्या होता है, जो कि होता है 3 mol HCl प्लस HNO3 और वो देता है नो सी एल मतलब नाइट्रोसाइल क्लोराइड, मैं याद करने के लिए बोलता हूँ नो सी एल प्लस 2 Cl प्लस H2। तो नो सी एल प्लस 2 Cl प्लस H2 और ये NOCl भी स्टेबल नहीं होता है, तो ये भी टूट जाता है NO प्लस Cl में। ठीक है ना, AU फर्दर रिएक्ट कर जाता है इसके साथ में Cl के साथ में और AuCl3 बना लेगा जो कि फर्दर HCl के साथ में HAuCl4 बना सकता है। ठीक है बेटा, इसी के बाद प्लेटिनम भी आगे PtCl4 बना सकता है जो कि H2PtCl6 बना सकता है। ठीक है बेटा, इसी के बाद प्लेटिनम जो होता है 4 Cl के साथ रिएक्ट करके PtCl4 बना लेता है जो कि HCl की प्रेजेंस में H2PtCl6 बना लेता है। आया बेटा, तो ये चीजें भी अपन को पता होनी चाहिए, NCERT में नहीं दी हुई है कुछ बातें दी हुई हैं, इक्का दुक्का बातें सिर्फ NCERT में दी है, बाकी सब कुछ NCERT का ही लिया हुआ है। ठीक है बेटा, क्या सबको इतनी बात कंफर्टेबल है, क्लियर है बच्चों, तो हम आगे बढ़ जाएं। ओके चलो, मैं NCERT वापस लेके आता हूँ। हाँ बेटा, प्रोटेक्टिव फिल्म के आगे क्या लिखा है, प्रोटेक्टिव फिल्म ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म, बस फिर लिखा है AU एंड प्लेटिनम डज नॉट रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ठीक बेटा, चलो तो इतनी बातें मैंने आपको थोड़ा बोर्ड पे भी बता दी, अब अपन आगे बढ़ते हैं, NCERT को आगे बढ़ाते हैं। फिर आता है बेटा ब्राउन रिंग टेस्ट। जो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है वो टेस्ट जो है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, जो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है वो, दिस इज टेस्ट ऑफ नाइट्रेट, डिपेंड्स अपॉन एबिलिटी ऑफ फेरस आयंस टू रिड्यूस नाइट्रेट टू नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, NO होता है, आपको याद होगा बेटा। ठीक है ना, तो इधर भी HNO3 जो होता है वो NO देता है और फाइनली जो है NO फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2O रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि कॉम्प्लेक्स होता है ब्राउन कलर का, ये रहा वो FeH2ONO+। और इसके बारे में मैंने आपको बहुत बताया था जब चैप्टर पढ़ाया था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोई मुझे याद दिला सकता है या Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा, किसी को याद है या Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, यदि किसी को याद आ रहा हो तो। यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी बच्चों, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 थी बेटा, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 थी। बहुत सारे बच्चों को गलत याद था, ये गलत याद नहीं रखना है, और कुछ बच्चों को सही भी याद था, ठीक है ना। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 थी, NO यहाँ +1 में था, जो कुछ बच्चों ने 3-3 बोला था वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या थी, जो कि 3 यहाँ पर मिलती है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 3 है तो √15 आ जाएगा। ये सारी बातें मैंने आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बताई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बातें, ठीक है बेटा। और ब्राउन रिंग टेस्ट में आपको सॉल्ट एनालिसिस में भी पढ़ा चुका हूं, ठीक है चलो।
ठीक है ना बेटा, ये सारे टॉपिक तो मैं आपको पढ़ा ही चुका था, ये तो रिवीजन है, इसलिए रिवीजन में आपको याद दिला रहा हूँ। देखो ये सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं किसकी, फास्फोरस की बात कर लेते हैं बच्चों। किसकी बात करें हम अपन, अपन बात करते हैं फास्फोरस की। तो फास्फोरस के अलग अलग रूप होते हैं, मेनी एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं, जिसमें व्हाइट, रेड और ब्लैक है, ठीक है। व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो ट्रांसलूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड होता है, पॉइजनस होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, परंतु कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। इसके बाद ये जो डार्कनेस में चमकता है उसको केमिल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर काफी अनस्टेबल होता है, 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल यहाँ पर होता है, जैसा कि इधर दिखाई दे रहा है आपको। इसके कारण यहाँ पर एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है और स्ट्रक्चर ओपन हो जाता है जरासे में, और रिएक्टिव होता है हाईली। आपको मैंने कई बार ये बात बताई है कि फास्फोरस जो होता है वो एल्कलाइन मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। क्या मैंने आपको कई बार बताया है ये, फास्फोरस एल्कलाइन मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। न सिर्फ फास्फोरस बल्कि फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर सब डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। तो फास्फोरस डिस्प्रोपोर्शनेट होकर -3 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, मतलब फॉस्फाइन और सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइड बनाता है। अच्छा मैं आपको टाइम देता हूँ इस रिएक्शन को याद करने का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी मैं आपको बताऊं कि आसानी से याद रखना है तो आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना, -1 और +1 में जाता है। +1 Na2H2PO2 में है और -1 फॉस्फाइन में है। ऑप्शन एक ही ऐसा मिलेगा जिसमें आपको दिख जाएगा और आप मैच कर लेना, ठीक है, लेकिन ये एग्जाम में आता जरूर है। खैर, व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है एयर के साथ रिएक्ट करके P4O10 बना लेता है। व्हाइट फास्फोरस को हम वाटर के अंदर स्टोर करते हैं। ये सारी बातें इसके बारे में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जो अभी अभी बताई गई हैं। जल्दी बोलो बेटा, क्या सबको आ गया है इतना, या मैं एक बार रिपीट करूं इसको, या आप लोग कंफर्टेबल हो इसमें? जल्दी से बता दो बेटा, आ गया सब लोग को व्हाइट फास्फोरस की सारी प्रॉपर्टी, सबको आ गई क्या क्या होती है, व्हाइट फास्फोरस कैसा दिखता है, कहाँ घुलता है? अच्छे से सुना करो एक ही बार में, ठीक है। व्हाइट फास्फोरस अनस्टेबल होता है क्योंकि 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, एक बात बताई। दूसरी बात बताई, व्हाइट फास्फोरस पानी में नहीं घुलता है, इसलिए इसको हम अंडर वाटर स्टोर करते हैं, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। ये ऑक्सीजन के साथ रेडिली रिएक्ट करता है और P4O10 बना लेता है, ठीक बेटा। अब रेड फास्फोरस पे आ जाते हैं। रिएक्शन बेटा सिंपल थी, जहां NaOH की रिएक्शन हुई थी फास्फोरस के साथ। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, फास्फोरस, सल्फर, कौन कौन से बेटा, क्योंकि ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि कौन कौन डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, कौन कौन डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। मैंने कई बार बताया है फॉस्फरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑल अंडरगो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। फास्फोरस जब डिस्प्रोपोर्शनेट होता है तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट होकर दो ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है, -3 और +1। -3 मतलब फॉस्फाइन बना दिया और +1 मतलब H2PO2 नेगेटिव बना दिया। अब याद हो गया, एक फॉस्फाइन बन गया और एक H2PO2 नेगेटिव बन गया, ठीक है बेटा, याद हो गया, चलो गुड। इसी प्रकार बच्चों सल्फर करता है, सल्फर -2 और +2 में जाता है। सल्फर काय में जाता है, -2 और +2 में जाता है। क्लोरीन -1 और +1 में जाता है डाइल्यूट की प्रेजेंस में, और कॉन्सेंट्रेटेड की प्रेजेंस में -1 और +5 में जाता है। अब इसको वापस से रिपीट करूंगा जब 16th और 17th ग्रुप पढ़ाऊंगा। क्या इतनी बात में कंफर्टेबल हो तुम लोग, तो मैं रेड फॉस्फोरस पे आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। रेड फास्फोरस पे आ जाते हैं। रेड फास्फोरस जो होता है उसको ऑब्टेन करते हैं बाय हीटिंग दी व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस को हीट किया जाए तो लाल बन जाता है, ठीक है। लाल कैसे बनता है, सफेद को गर्म करते हैं तो लाल बनता है। सफेद को गर्म कितने पे करते हैं, 573 केल्विन पे गर्म करते हैं सफेद को, तो कौन बनता है, लाल, लेकिन इनर्ट एटमोसफियर की प्रेजेंस में, क्योंकि यदि एटमोसफियर इनर्ट नहीं हुआ तो व्हाइट फास्फोरस उस एटमोसफियर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। जब लाल फास्फोरस को बेटा गर्म करते हैं अंडर हाई प्रेशर, जब लाल को गर्म किया जाता है अंडर हाई प्रेशर तो काला फास्फोरस बन जाता है। देखो बेटा, पहले सफेद था, उसमें थपाड़े मारे लाल हो गया, लाल में थपाड़े मारे लाल काला हो गया अंडर हाई प्रेशर। क्या याद हो गया बेटा, सबसे पहले सफेद था, सफेद में थपाड़े मारे मतलब उसको हीट किया इनर्ट एटमोसफियर में,
इनर्ट एटमोसफियर में, हाँ नोबल गैस की प्रेजेंस में करो या N2 की प्रेजेंस में करो, नोबल गैस है, समझ रहे बात को, तो वो इनर्ट एटमोसफियर हो जाएगा, उसकी प्रेजेंस में हमको गर्म करना है कई दिनों तक, कई दिनों तक। जब गोरे को गर्म करोगे इनर्ट एटमोसफियर में तो गोरे से लाल बन जाएगा। लाल तो वैसे भी टाइम लगता है ना बनने में, लाल तो बनने में टाइम लगता है, लाल मतलब मेरा लाल, क्लियर है। और लाल को जब गर्म किया जाता है हाई प्रेशर, दिल लाल में थपाड़े, दिल लाल में थपाड़े अंडर हाई प्रेशर, तो लाल काला पड़ जाता है। अब तो याद हो गया होगा भाई। और लाल जो होता है वो तो समझ गए बात को, लाल तो बहुत लाड़ला होता है, तो वो किसी में नहीं घुलता, ना पानी में घुलता है ना कार्बन डाइसल्फाइड में घुलता है। लाल तो बहुत लाड़ला होता है, लाल मेरा, लाल मेरा बच्चा, मेरा बेबी है, तो वो तो क्या होता है बहुत ज्यादा घुल मतलब बहुत ज्यादा लाड़ला होता है, नखरे वाला होता है, तो वो किसी में नहीं घुलता, ना पानी में घुलता है और ना कार्बन डाइसल्फाइड में घुलता है। रेड फॉस्फरस लेस रिएक्टिव भी होता है, जबकि व्हाइट फॉस्फरस ज्यादा रिएक्टिव होता है। रेड फॉस्फरस डज नॉट ग्लो इन डार्क, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो होता है रेड फॉस्फरस का वो रिलेटिवली थोड़ा सा स्टेबल होता है। ये देखिए आप, रेड फॉस्फरस के स्ट्रक्चर में वो एंगल स्टेन नहीं होता है, ठीक है, तो वहां पे आपको केमिल्यूमिनेसेंस देखने को नहीं मिलता है। अब आता है ब्लैक फॉस्फरस, कालू दो टाइप का है, बीटा ब्लैक और अल्फा ब्लैक, अल्फा ब्लैक फॉस्फरस एंड बीटा ब्लैक फॉस्फरस। अल्फा ब्लैक फॉस्फरस जो होता है, इट इज फाउंड व्हेन रेड फॉस्फरस इज हीटेड इन सील ट्यूब एट 803 केल्विन। मतलब अल्फा ब्लैक फॉस्फरस कब बनता है, जब लाल को हीट करते हैं सील्ड ट्यूब में, लाल को एक सील्ड ट्यूब में बंद करके गर्म कर देते हैं 803 केल्विन पे, तो क्या बन जाता है, अल्फा ब्लैक बन जाता है। बीटा ब्लैक कब बनता है, बीटा ब्लैक कब बनता है, जब व्हाइट फॉस्फरस, इट इज बीटा ब्लैक फॉस्फरस प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फरस एट हाई प्रेशर 473 केल्विन। बस मोटा मोटा अपन को एक बार सुन लेना है, अल्फा को बनाने के लिए टेम्परेचर हाई चाहिए, ट्यूब में बंद करना है, बीटा को बनाने के लिए टेम्परेचर लो हो, प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो अपना कौन बन जाएगा, बीटा बन जाएगा, किससे बन जाएगा, लाल से बन जाएगा, ठीक, ओ सॉरी व्हाइट से बनता है। बीटा काहे से बनता है, व्हाइट से बनता है, अल्फा काहे से बनता है, लाल से बनता है। अल्फा रिलेटिवली हाइयर टेम्परेचर है, 803 केल्विन ट्यूब में बंद करके बनता है। सब लोग मेरे साथ याद करते जा रहे हो ना, क्योंकि अल्टीमेटली तो याद करना ही पड़ेगा। देखो मैं आपको बताऊं, आप अभी याद कर लो या एग्जाम के पहले याद कर लो, लेकिन याद तो करना पड़ेगा, जब पूरा पेपर एनसीईआरटी से आ रहा है तो हमें एनसीईआरटी याद तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है बेटा, चाहो तो अभी याद करो, चाहो तो बाद में बैठ के याद करो, पर याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा सबको याद हो गया बीटा कैसे बना और अल्फा ब्लैक कैसे बना, बीटा ब्लैक कैसे बना, अल्फा ब्लैक किससे बना था, अल्फा ब्लैक किससे बना था, अल्फा ब्लैक लाल से बना था, 803 केल्विन पे हीट किया था सील ट्यूब में तब बना था। और बीटा ब्लैक काहे से बना था, वो सफेद से बना था, बीटा ब्लैक सफेद से बना था 473 केल्विन हाई प्रेशर पे, ठीक है बेटा। इट डज नॉट बर्न इन एयर अप टू 673 केल्विन, तो रिलेटिवली स्टेबल होता है। चलो ये कहानी खत्म हुई, कहानी फॉस्फाइन की चालू करते हैं। फॉस्फाइन कैसे बनता है, ये तो बहुत सरल है। देखो आप, कैल्शियम फॉस्फाइड आप ले आए, आपको पता है जब आपके पास कैल्शियम फॉस्फाइड है तो क्या आपको लग रहा है कैल्शियम के गंजे पे पॉजिटिव चार्ज, फॉस्फरस के गंजे पे नेगेटिव चार्ज। अब जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो वाटर के किस पार्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, क्या वाटर के नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, तो ये अपनी ओर नेगेटिव पार्ट ले जाएगा और ये वाटर के पॉजिटिव पार्ट को ले जाएगा। एक फॉस्फरस के टकलू पे 3 नेगेटिव चार्ज, तो वो 3 हाइड्रोजन प्लस को रिसीव करेगा, 2 फॉस्फरस के टकलू पे 6 नेगेटिव चार्ज, तो 6 हाइड्रोजन प्लस को रिसीव करेगा। तो इस तरीके से जब हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो हमें यहाँ पर दिख जाएगा कि दिस इज 6HOH। आ गया बेटा, बैलेंसिंग की ज्यादा टेंशन नहीं पालनी है, फॉस्फाइन गैस बाहर निकल जाएगी। यदि हम वाटर की जगह बच्चों HCl ले लेते तो भी काम बन जाता, वाटर की जगह HCl ले लेते तो भी काम बन जाता। बस अभी क्या होता, अभी ये हो जाता कि H प्लस वाला पार्ट इधर चला जाता, सॉरी ये तो मिट गया, ये H और ये Cl, ये H प्लस वाला पार्ट जो है वो कहाँ चला जाता, H प्लस वाला पार्ट फॉस्फरस पे चला जाता और क्लोराइड वाला पार्ट इधर चला जाता। क्या ये बहुत आसान है,
बिल्कुल आसान है, कॉमन सेंस से ही आ जाएगा। तीसरा मेथड तो अभी अभी रटा आपने थोड़ी देर पहले, हमने फॉस्फरस का डिस्प्रोपोर्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम और फॉस्फाइन हमको मिल गया। ठीक बेटा, जो प्योर फॉस्फाइन होता है बच्चों नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, लेकिन फॉस्फाइन में इंप्यूरिटी होती है P2H4 की, जो कि इनफ्लेमेबल होती है, जो कि आग को उत्पन्न करती है। ठीक है बेटा, व्हेन प्योर इट इज नॉन इनफ्लेमेबल बट बिकम्स इनफ्लेमेबल ओनिंग टू प्रेजेंस ऑफ P2H4 एंड P4 वेपर। तुम समझना मेरी बात को, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में टपक सकता है, ये वाला पार्ट। समझ गए बात को आप? व्हेन प्योर इट इज नॉन इनफ्लेमेबल बट बिकम्स इनफ्लेमेबल ओनिंग टू प्रेजेंस ऑफ P2H4 एंड P4 वेपर। ये बेटा स्मोक स्क्रीन्स को प्रोड्यूस करने के काम आता है। वॉर में तुमने देखा होगा वो स्मोक स्क्रीन क्रिएट करते हैं ना बेटा, स्मोक स्क्रीन क्रिएट करते हैं, और स्मोक स्क्रीन जो क्रिएट कर, बेटा जितना इधर चल रहा है उतना सुनते रहो, है ना, इस पे ध्यान दो, इसको याद करो, इधर उधर मत भटको। P2H4 पे बात चल रही है, P2H4 पे टिक के रहो। ठीक है, स्मोक स्क्रीन की बात करते हैं अपन। स्मोक स्क्रीन इसकी मदद से अपन प्रोड्यूस करते हैं। हॉर्न सिग्नल इसकी मदद से प्रोड्यूस किया जाता है बच्चों, हॉर्न सिग्नल यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। जहाज लेके जाते हैं ना अपन समुद्र में, यदि कोई मुसीबत आ जाए तो वहां पे क्या करते हैं, कैल्शियम फॉस्फाइड डब्बों में भर के बैठते हैं, उनमें दो छेद कर देते हैं डब्बों में, उठा के समुद्र में डाल देते हैं। कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड उसके अंदर मौजूद रहता है। कैल्शियम फॉस्फाइड पानी के साथ रिएक्ट जब करता है तो P2H4 बना लेता है, और जब वो P2H4 बना ले सॉरी PH3 बना लेता है, और थोड़ी इम्प्यूरिटी P2H4 की होती है तो वो जलने लग जाता है, एयर के संपर्क में आके धुआं प्रोड्यूस कर देता है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बाइड होता है, वो एसिटाइलिन गैस बना लेता है, वो भी जल के चिंगारियां प्रोड्यूस करती है। समझ रहे हो बात को? तो ये सिग्नल दे देता है दूसरे जहाजों को जो कि समुद्र में घूम रहे होंगे कि समुद्र के बीच में इतना सारा धुआं कहाँ से उठ रहा है, कोई आग तो ताप नहीं रहा होगा, मतलब कोई मुसीबत में है, आ उसको चल के बचाए। तो इतनी कहानी आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फॉस्फाइन की रिएक्शन HI से कर दे तो फॉस्फोनियम आयोडाइड बन जाता है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये फॉस्फाइन है, HI के साथ रिएक्शन कर दी, अरे इसके टकले पे लोन पेयर है H+, उससे रिएक्ट कर जाएगा, फॉस्फोनियम आयन बन जाएगा, सामने आयोडाइड आ जाएगा, फॉस्फोनियम आयोडाइड बन जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं थी यहाँ पे, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार था ये सब। ठीक, अब चलते हैं बेटा प्रॉपर्टीज फॉस्फाइन गैस की। बहुत ही बदबूदार गैस होती है, रॉटन फिश लाइक स्मेल आती है, रॉटन फिश लाइक स्मेल आती है बेटा। हाइड्राइड्स ऑफ 15th ग्रुप बिकम्स मोर स्मेल ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ 15th ग्रुप बिकम्स मोर डिसएग्रीएबल एज वी मूव डाउन द ग्रुप। बदबू और गंदी होती जाती है, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है। ठीक है, चलो, हाईली पॉइजनस होती है ये। कोई भी ऐसी गैस बेटा जो आसानी से लोन पेयर देती हो वो पॉइजनस ही होगी, क्योंकि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब जाएगी तो उसका लोन पेयर वो Fe+2 को दे सकता है बेटा, और उस वक्त ऑक्सीजन लोड नहीं होगी तो वो पॉइजनस तो हो ही जाएगी। इट एक्सप्लोड्स इन कॉन्टेक्ट विद द ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, Cl2 एंड Br2 वेपर्स। बेटा HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यदि आप Cl2 को लो तो Cl2 जल के संपर्क में आकर के HOCl बना देता है, और जब वो HOCl+HCl बना लेता है, ये रिएक्शन 17 ग्रुप में आ जाएगी, HOCl टूट करके नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा, और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो फॉस्फाइन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं है। यही रिएक्शन Br2+ वाटर की हो जाएगी, HBr+HOBr हो जाएगा, HOBr टूट के नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा जो कि फर्दर फॉस्फाइन का ऑक्सीडेशन करा देगा। तो बात समझ में आई, HNO3 के प्रेजेंस में आएंगे, क्या सबको बात क्लियर हो रही है बेटा? HNO3 के प्रेजेंस में आया, तो भी खत्म, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। Cl2 की प्रेजेंस में आया वो भी ऑक्सीडेशन आ जाएगा, Br2 की प्रेजेंस में आया वो भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब सुनो, इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, जबकि अमोनिया जो होता है वो हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है बेटा, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर जो है, हाइड्राइड्स की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ऑब्वियसली डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सही है ना। द सोल्यूशन ऑफ फॉस्फाइन इन वाटर डीकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिविंग रेड फॉस्फरस इन H2 व्हेन एब्जॉर्ब्ड इन कॉपर सल्फेट और मर्क्यूरी क्लोराइड सोल्यूशन। अब देखो कितना सरल है बेटा,
जब इसको अपन मर्क्यूरी क्लोराइड सोल्यूशन में या कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो क्या होगा, यूप्रिक फॉस्फाइड बन जाएगा या मर्क्यूरिक फॉस्फाइड बन जाएगा, और दूसरी तरफ H2SO4 और HCl बन जाएगा। ये सिंपल डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कोई रिडॉक्स यहाँ पर नहीं इन्वॉल्व है। क्लियर है बेटा इतनी बात। फिर फॉस्फाइन वीकली बेसिक होता है क्योंकि उस पर लोन पेयर होता है, लेकिन लेस बेसिक देन अमोनिया होगा। तो देखो HBr के साथ रिएक्शन हो रही है, लास्ट रिएक्शन मैंने HI के साथ भी आपको ये कराई थी। ठीक है बच्चों। और बेटा आपने सरफेस केमिस्ट्री देखना चालू कर दिया क्या? सरफेस केमिस्ट्री देखा तुम लोगों ने? आज मैंने दिया है सरफेस केमिस्ट्री आपको, है ना? देखते रहे बच्चों, 3-4 दिन में पूरा सरफेस केमिस्ट्री मैं आपको दे दूंगा, और आप लोग उसको बहुत अच्छे से जो है करते रहा करें। हाँ बिल्कुल, टेलीग्राम पे दिया है मैंने बेटा, आप लोग सब उसको बहुत अच्छे से करते रहा करें। आज अभी रात में एक और लेक्चर दे दूंगा। हाँ सभी लोग देख लिया करो उसको, है ना बेटा? आपको काफी ज्यादा फायदा होगा उससे, क्योंकि पेपर एनालिसिस यही कहता है कि पूरी NCERT आ रही है ना। बाकी आपको पढ़ा दिया गया है, ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है इनफैक्ट। अब रिवीजन में मैं आपको मदद कर रहा हूँ इस तरीके से कि आप लोग को जो NCERT डिफिकल्ट लगती है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए मैं NCERT आसान कर दूं, और अंततः एग्जाम तक आपके पास ये चीजें मौजूद रहें। ठीक है, मुझे नहीं पता कब तक मौजूद रहेंगी। यदि कोचिंग ने कहा इसको हटा दो तो हटाना पड़ेगा, आपको भी पता है ये बात, समझ रहे हो बात को? लेकिन वो बच्चों के लिए ही किया गया है और आप लोगों तक ही उसका एक्सेस है। ठीक है ना? तो आई सपोज दैट आप लोग बात को समझ रहे होंगे, उसका आप लोग पूरा फायदा उठाएंगे। आएगा बेटा, क्या है ना, एक एक करके देंगे। अभी बफर वाला टॉपिक भी देने वाला हूँ, लेकिन एक एक करके दूंगा। फिजिकल केमिस्ट्री में मेनली मैं सवालों पे एम्फेसिस कर रहा हूँ। थ्योरी 5-10 मिनट पढ़ाऊंगा, फिर सवाल करवा दूंगा, फिर थ्योरी 10 मिनट पढ़ाऊंगा, फिर सवाल करवा दूंगा, ऐसे करके। और सवाल कौन से करवाऊंगा, आपको पता है, NCERT पूरी सॉल्व करवा दूंगा, जिससे कि आपको ना करना पड़े। मॉड्यूल आप सॉल्व कर ही चुके हो, NCERT आपकी मैंने करवा दी सॉल्व, लेकिन उसको आपको देखते रहना है। ठीक है ना? उसको आपको देखते रहना है। हाँ मैंने जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप नहीं चल रहा क्या? बेटा बिल्कुल चल रहा है उस पर व्हाट्सएप, है ना? तो आप जो है उसी पर जो है वो प्लीज संपर्क कर लें। जिन लोगों को अभी तक भी नहीं पता है मैं उनको बता दूं, बात को ध्यान से बेटा। ठीक है चलो। तो ये हॉल सिग्नल के बारे में आगे बता रहा है, वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। द स्पॉन्टेनियस कम्बस्टन ऑफ फॉस्फाइन इज टेक्निकली यूज फॉर हॉल सिग्नल। कंटेनर कंटेनिंग कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड आर पियर्स थ्रू दो छेद बना देते हैं, समुद्र के पानी में डाल देते हैं, और स्मोक स्क्रीन भी इसकी मदद से प्रोड्यूस करते हैं। आप मान के चलो ये लाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनो एक बात मैं आपको बताऊं, इन रिविजन क्लासेस को अटेंड करने का क्या फायदा आपको आखिरी मिलने वाला है, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ। जनरली यूजेस हम छोड़ देते हैं, कम से कम 3 से 4 या इससे थोड़े ज्यादा क्वेश्चन लास्ट ईयर यूजेस पे आए। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? हम जनरली यूजेस छोड़ देते हैं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर यूजेस पे आए। तो कृपया करके इसको ना छोड़ें, यूजेस को जरूर जरूर पढ़ें। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, फास्फोरस ट्राई हैलाइड। अब चलते बेटा फास्फोरस ट्राई हैलाइड पे। फास्फोरस जब Cl2 के साथ रिएक्ट करता है, लिमिटेड अमाउंट में Cl2 लिया जाता है तो PCl3 बनता है। यदि यही अमाउंट बढ़ा दिया जाए या एक्सेस में Cl2 ले लिया जाए तो PCl5 बन जाएगा बच्चों। ठीक है, इसके अलावा फास्फोरस SOCl2 के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो PCl3 बनाता है, SO2+S2Cl2 बनाता है। इसके मैकेनिज्म में जाने की आवश्यकता नहीं है, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। सुनो, जब थोड़ा बड़ा कंपाउंड है, जब थोड़ा छोटा है SOCl2 तो PCl3 बनता है, थोड़ा बड़ा है SO2Cl2 तो क्या बनता है, PCl5 बनता है। इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा, क्या आपने मेरी बात को सुना? इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा, SO2 SOCl2 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बच्चों, तो बनेगा PCl3, और SO2Cl2 से रिएक्ट करेगा तो बनेगा PCl5। ठीक है चलो, याद हो जाएगा सब लोग को, बहुत बढ़िया। बाई प्रोडक्ट के रूप में H2Cl2 ऊपर बनता है और नीचे बाई प्रोडक्ट के रूप में SO2 बनता है। खैर नीचे वाला भी आया नहीं है, PCl5 वाला आ जाएगा।
अब पीसीएल थ्री की रिएक्शन तीन लोगों के साथ में दिखाई जा रही है, इसका पूरा मैकेनिज्म होता है, मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताऊं क्या? चलो देखते हैं, बताने की कोशिश करते हैं झटापट फटाफट है, क्योंकि पीसीएल फाइव जब बनेगा तो एसओ टू बन जाएगा। तो सुनो, जब फॉस्फरस की रिएक्शन एसओ सी एल टू से हुई थी तो क्या बना था? एसओ सी एल टू से हुई थी तो क्या बना था? एसओ सी एल टू से हुई तो बना था पीसीएल थ्री, और एसओ टू सी एल टू से हुई तो क्या बना बेटा? पीसीएल फाइव बना। जब एसओ सी एल टू से हुई थी तो एक बाई प्रोडक्ट एस टू सी एल टू था, साथ में एसओ टू बना था, इधर बाई प्रोडक्ट सिर्फ एसओ टू है। चमक गया बेटा, क्या बात सबको समझ में आ गई? क्लियर है? अच्छा, क्लियर है। अब सुनो, पीसीएल थ्री की रिएक्शन वाटर के साथ होती है, जल्दी जल्दी बता दूं क्या इसको, मैं आपको जल्दी जल्दी इसका मैकेनिज्म बता दूं क्या छोटा सा, यदि आप कहें तो बताना बोर्ड पे ही पड़ेगा, है ना, ऐसे नहीं हो पाएगा, बताना बोर्ड पे ही पड़ेगा। चलो मैं फटाफट आपको बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है? ये लो बेटा, अब आप मुझे याद दिला देना कौन कौन सी रिएक्शन थी। बोर्ड क्लियरली विजिबल है कि नहीं? बोर्ड क्लियरली विजिबल है, यस, गुड। चलो अब मैं बहुत जल्दी जल्दी बनाता हूं इसको, मैं चाहता हूं कि आज नाइट्रोजन फैमिली खत्म हो जाए। सुनो, तो बात क्या चल रही है? बात चल रही है पीसीएल थ्री। लो भाई सरल कर देते हैं, ये रहा पीसीएल थ्री, इधर मारा मुंह पे मारा पानी, जब पानी मारा मुंह पे तो ये सीएल को उड़ा देगा। चलो तीन मोल पानी मारते तीन मोल सीएल उड़ेगा, मतलब तीन एचसीएल बाहर चला गया, ठीक है बेटा। और यहाँ क्या बन गया? पी ओ एच ओ एच और ओ एच, और इधर रहा लोन पेयर। अब बेटा ये बॉन्ड इधर से इधर मूव करता है और ये लोन पेयर इस एच को अपनी ओर विड्रॉ कर लेता है, इसको बोलते हैं टोटोमेरिज्म, और टोटोमेरिज्म के फलस्वरूप फिर यहाँ बन जाएगा पी H डबल बॉन्ड O O H और O H, दो ही एसिडिक हाइड्रोजन है, डाई बेसिक है, ये सब लोगों को याद आ गया होगा, इसका नाम है H3PO3। क्लियर है बेटा? ये टॉटोमेरिज्म इधर हुआ है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, मैंने आपसे बोला था जल्दी जल्दी इसको करूंगा, ठीक है बेटा, ज्यादा डिले नहीं कर सकता हूँ। अब सुनो, इसके बाद में मैं रिएक्शन यही वाली एल्कोहल के साथ करा देता हूँ। एल्कोहल क्या होता है? C2H5OH होता है, ये फिर इधर अटैक करेगा, और आपको पता है OC2H5 तीन बार जाकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये क्या बना? POC2H5OC2H5OC2H5, और क्या बन गया यहाँ पर? HCl तीन मोल बाहर निकल गया। कौन बाहर निकल गया? HCl तीन मोल बाहर निकल गया। लेकिन रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होगी बेटा, एक्चुअल क्या है, ये है CH2CH3। अब ये HCl जो है इस लोन पेयर पे अटैक कर सकता है, और जब वो इस पे अटैक करेगा तो ऑब्वियसली इधर H आ जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा POH टकलू पॉजिटिव CH2CH3, और इधर OC2H5, और इधर भी हो जाएगा OC2H5। सेम मैकेनिज्म इन दोनों पे भी चल रहा होगा, लेकिन एक पे मैं समझा देता हूँ, ठीक। अब ग्रुप लीव करेगा, ग्रुप लीव कैसे करेगा? ये वाला बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक कर जाएगा, और जो क्लोराइड था इसका HCl का, H वाला पार्ट कहाँ जुड़ा? इधर जुड़ा, और क्लोराइड वाला पार्ट कहाँ जुड़ेगा? वो जाकर के इधर जुड़ जाएगा, तो CH2CH3Cl बन जाएगा, तो बन गया CH3CH2Cl, और POH बन गया। क्या चमका, क्या चमक गया सब लोग को, कैसे हुआ? देख मेरे भाई, ये समझ में आया? POC2H5 होल थ्राइस बन गया था, HCl आया, H ने इधर अटैक किया, इस ऑक्सीजन के टकले पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक होगा, इधर आके क्लोरीन जुड़ जाएगा, CH3CH2Cl बन गया, H3PO3 बन जाएगा, टोटोमेरिज्म होगा, फाइनली H3PO3 बन जाएगा, H3PO3 फाइनली टोटोमेराइज होगा, और फाइनल स्ट्रक्चर उसका वैसा बनेगा जैसा लास्ट वाला बताया था। तो क्या क्या प्रोडक्ट बने? H3PO3 बना और C2H5Cl बना। क्या सबको चमक गया है? जल्दी से हाँ ना बोल दो, तो मैं आगे का मैकेनिज्म बता दूं। क्लियर है? ओके, डन। चलो अब आगे वाला बताता हूं, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस है। चलो देखो, है ना, आगे बढ़ते हैं बच्चों। CH3
CH2 और सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ये भी दी है रिएक्शन एनसीईआरटी में, CH2 सी डबल बॉन्ड सी एल नहीं सॉरी COH दिया है शायद, है ना, एसिटिक एसिड की रिएक्शन है, ये क्या इधर जाके अटैक किया, जब इधर जाके अटैक करेगा तो क्या यही बन जाएगा P C डबल बॉन्ड O C2H5, बोलो हाउ, और इधर भी सेम टाइप का ग्रुप जुड़ेगा OCO C2H5 OCO C2H5, और तीन मोल क्या बनेगा HCl, तो तीन मोल क्या बना HCl, तो क्या आपको लग रहा है ये H जाके इधर अटैक कर देगा और Cl इधर अटैक कर देगा, फाइनली तीन पी ओ पे ओ एच इधर आ जाएंगे, पी ओ एच, ये टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, प्लस CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सी एल बन जाएगा, मेरी बात जल्दी कंफर्म करो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सॉरी C2H5Cl बन जाएगा, C2H5Cl COCl बन जाएगा, क्या सबको बात समझ में आ गई बेटा, ये था उसका मैकेनिज्म, किसका, जब एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो किस तरीके से रिएक्शन होती है, डनाडन, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आ गया, वेरी नाइस, मिटा देते हैं इसको, अब मैं PCl5 की रिएक्शन तुरंत प्रभाव से बता देता हूं, मिटा दूं बेटा इसको यहां से, चलाए या मानो बेटा मेरे पास PCl5 होता तो PCl5 भी जब रिएक्ट करता तो 1, 2, 3, 4, 5 इधर से आया जल, जलने किया इधर अटैक, Cl गया बाहर, ये बना P, इधर आएगा OH, Cl, 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 फिर O का लोन पे नीचे उतरेगा, ये बाहर चला जाएगा, ये बन जाएगा P डबल बॉन्ड O, Cl, 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 क्या बना बेटा POCl3 बन गया, और क्या बन गया हमारे पास, और बन गया दो मोल HCl, क्योंकि दो Cl निकले तो दो मोल HCl बन गया, अब सोच ये क्या है, जल है, जल फिर यहाँ पे अटैक कर सकता है, यदि तीन मोल जल ने इधर अटैक किया तो तीन OH आ जाएगा, तो P डबल बॉन्ड O OH 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 और तीन मोल HCl, फाइनल क्या बन गया H3PO4 बन गया, आया कि नहीं आया, फाइनली क्या बन गया बेटा, क्या ये H3PO4 है, आ गया सबको समझ में, कैसे बना, पहले बना POCl3, POCl3 तीन मोल जल के साथ रिएक्ट किया, फाइनल बन गया H3PO4, ठीक है बेटा, मिटा दूं इसको, जिस जिसको स्क्रीनशॉट लेना फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेगा, ओके चलो, अब यही रिएक्शन मैं आपको बताता हूं किसके साथ में, यही रिएक्शन हम करते हैं, अब मानो तुम CH3CH2OH के साथ, आप कुछ समझ गए होगे, ये अटैक होगा ये बाहर निकल जाएगा, जब ऐसा होगा तो यहाँ क्या बनेगा POC2H5, इसको लग देता हूँ CH2CH3Cl Cl Cl और Cl और एक आ गया क्या HCl, सही है, एक आ गया क्या HCl, यदि इसी की रिएक्शन इधर करा दूं, इसकी रिएक्शन इधर करा दूं H पे, तो ये CH3CH2Cl बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो यार क्या ये CH3CH2Cl बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये बन सकता ना बेटा, ये H प्लस इधर चला गया और क्लोराइड इधर चला गया, तो ये बन जाएगा P डबल बॉन्ड O Cl 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 प्लस C2H5Cl, डन, यदि रिएक्शन को तुम आगे बढ़ा दो और यदि रिएक्शन को आगे बढ़ा दो तो फाइनली तुमको H3PO4 फिर से मिल सकता है, मेरी बात कुछ कुछ पल्ले पड़ी है तुम लोगों को, जल्दी से देख लो बेटा इस मैकेनिज्म को कि मैकेनिज्म किस तरीके से आपको समझ में आया है, ठीक है बेटा, तो अपन तो इधर पे रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं, C2H5Cl plus POCl3 plus HCl बन जाता है, C2H5Cl plus POCl3 plus HCl बन जाता है, ठीक है बेटा, कुछ कुछ चमक गया दिमाग में जल्दी बोलो, कुछ कुछ चमका दिमाग में, कुछ दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा है देखो ना, ये अटैक हुआ था, इधर से Cl निकला, इधर OC2H5 जुड़ गया आकर के OC2H5, इधर H प्लस जुड़ा, Cl इधर आ गया, POCl3 बन गया बच्चों, और C2H5Cl बन गया, पहला वाला HCl वो मैंने इधर फाइनली लिख दिया, रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप कर दी, यदि एक्सेस में अल्कोहल ले लोगे तो रिएक्शन और आगे बढ़ जाएगी,
ठीक है बेटा, एक्सेस में अल्कोहल ले लोगे तो रिएक्शन और आगे बढ़ सकती है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम करके देख सकते हैं मैकेनिज्म। वैसे एनसीईआरटी में यहाँ पे रिएक्शन को शायद रोक दिया गया है, तो अपन और आगे नहीं बढ़ाएंगे, इधर तक प्रोडक्ट अपन को प्राप्त हो गया है। किसी रिएक्शन के आगे बढ़ने के चांसेस उस रिएक्शन की कंडीशंस पे डिपेंड करता है, और वो एक्सपेरिमेंटल होता है, वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। टेक्निकली स्पीकिंग मैं इस पे और आगे भी बढ़ सकता था। ठीक है बच्चों, ओके डन, सब लोग कंफर्टेबल है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। सेम मैकेनिज्म यूज करेंगे किसके साथ, वहां पे CH3COCl बन जाएगा, किसमें, एसिड में। सेम मैकेनिज्म वहीं वहां भी प्रयोग करना है। कुछ कुछ बात समझ में आ गई हो तो मैं बढ़ जाऊं आगे। स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। सेम मैकेनिज्म प्रयोग कर सकते हैं जब हम यूज करेंगे CH3COOH। ठीक है बेटा, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं। ओके मैं एनसीईआरटी, चलो बच्चों अब क्या है, अब रिएक्शन पढ़ते हैं PCl5 की Ag के साथ। आपको पता है ना PCl5 इस acts as a chlorinating agent, unstable होता है ना यहाँ पे सिस्टम। ये जो दो Cl होते हैं, ये जो दो Cl होते हैं जो इधर एक्सियल पोजीशन पे लगे होते हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, याद होगा आपको, मैं आपको 11th क्लास से ये बात समझाता रहा हूँ। जो इसको हीट करते हैं जो टूट जाता है PCl3+Cl2 में, दो एक्सियल जो Cl2 में मर जाते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था बेटा लास्ट ईयर मैंने आपको, ये वाला Cl और ये वाला Cl टूट जाता है। ठीक है बच्चों, तो इट इज यूज एज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट। ठीक, तो जब Ag की रिएक्शन करोगे तो AgCl बन जाएगा इसकी प्रेजेंस में, और इसमें Cl देने की टेंडेंसी कितनी ज्यादा है इस बात से साबित होता है कि Ag ने रिएक्ट कर लिया। Ag तो बेटा नोबल मेटल होता है, फिर भी रिएक्ट कर गया। ठीक बच्चे, SN के साथ रिएक्शन करोगे तो पहले SnCl2 बनेगा, फाइनली SnCl4 बन जाएगा। PCl5 के स्ट्रक्चर के बारे में केमिकल बॉन्डिंग में बहुत बता चुका हूँ, और बताने की जरूरत है क्या PCl5 के स्ट्रक्चर के बारे में बेटा? PCl5 के स्ट्रक्चर के बारे में, दो एक्सियल बॉन्ड लेंथ इसकी लंबी होती है, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। इट इज यूज्ड एज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ट्राइगोनल प्लेनर बाइपिरामिडल शेप होता है, सॉलिड स्टेट में PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव के रूप में एग्जिस्ट करता है। कोई बड़ी बात, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। PCl5 का स्ट्रक्चर अपने आप में एक्सेप्शन टू द थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी ये बोलती है कि सारे ऑर्बिटल बराबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, दो ऑर्बिटल लंबे हैं, दो तीन ऑर्बिटल छोटे हैं। क्या बात क्लियर है सब लोग को PCl5 के बारे में इतनी? ओके चलो, PCl5 को हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में भी यूज करते हैं, आपने ऑर्डिंग केमिस्ट्री में कहीं कहीं यूज किया भी होगा। चलो भाई अब ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस पढ़ लेते हैं। फास्फोरस जो ऑक्साइड बनाता है, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, सॉरी, तो ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस कौन कौन से होते हैं, ऐसे एसिड जिनमें, ठीक बेटा, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस वो होते हैं जिनके अंदर हमको, ऐसे एसिड जिनके अंदर ऑक्सीजन मिलता है उनको बोलते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। ठीक है बेटा, अब ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस जो है उसमें हाइपोफास्फोरस एसिड, पहले है फास्फोरिक एसिड, जो फास्फोरिक एसिड है वो कौन सा है देखना ध्यान से। ये जो एसिड है बेटा पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच ओ एच, ये फास्फोरिक एसिड है। ये कौन सा एसिड है? फास्फोरिक एसिड है। ठीक है, इसका एक ओ कम कर दो, ध्यान से सुनना मेरे को, ध्यान से सुनना मेरे को, इसका एक ओ कम कर दो, एक ओ मैंने हटा दिया, देखा सबने, एक ओ हट गया लेफ्ट साइड का, तो इसका नाम हो जाता है फास्फोरस एसिड। इसका नाम हो जाता है फास्फोरस एसिड, और इसका एक और नाम बताया गया है और वो है फास्फोनिक एसिड। फॉस्फोनिक एसिड दिख रहा है बेटा, याद कर लेना एग्जाम में आएगा। अच्छा, अब यदि मैं फॉस्फोरस एसिड जो ये बना है इसका एक ओ और हटा दू और उसको बना दूंगा फॉस्फीनिक एसिड, इसका एक ओ और हटा देता हूं, हटा दिया, दिस बिकम्स हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या सब लोग को बात चमक गई बेटा? क्या सब लोग को बात चमक गई है? यदि मेरे पास बच्चों, यदि मेरे पास ये वाला स्ट्रक्चर है, कौन सा वाला? ये वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। यदि यहां से मैं एक ओ मिटा देता हूं,
दिस बिकम्स फॉस्फोरस एसिड। यदि फॉस्फोरस एसिड से एक और ओ मिटा देता हूं, इट बिकम्स हाइपोफॉस्फोरस एसिड। समझ ला? क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ठीक है, चलो अब सुन। इसके बाद बेटा, यदि मैं दो फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देता हूं, दो फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल से, एक फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल ये रहा और एक फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल ये रहा, इन दोनों से मैं हाइपो और ऑर्थो कब कब लगाते हैं? हाइपो तब लगाते हैं जब अपन जो अपनी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है, तो अपन हाइपो लगाते हैं। और ऑर्थो तब लगाते हैं शब्द जब एक एसिड से वाटर, ऑर्थो तब लगाते हैं अपन शब्द जब अपन को हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल रहा है, तो अपन ने बोल दिया ऑर्थो। लेकिन ऑर्थो एक जनरल शब्द है, मतलब मैं आपको बताऊं, है ना, उसका ऐसा कोई मतलब वो नहीं है टर्मिनोलॉजी की, ऑर्थो इसी समय अपन को शब्द लगाना है, ठीक है ना। मेटा क्यों लगाते, मेटा कब लगाते हैं उसका टर्मिनोलॉजी है कुछ, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। चलो, इधर से मैंने H2O निकाल दिया, इधर से H2O निकाल दिया बेटा, करेक्ट है, ओके। तो इधर से मैंने H2O निकाल दिया, तो जो बनेगा वो पारो बनेगा, वाटर निकल गया हीट की प्रेजेंस में, पारो बन गई, पाइरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या बन गया बेटा? पाइरोफॉस्फोरिक एसिड, पाइरोफॉस्फोरिक एसिड। चिंता मत करो बेटा, आप टेंशन मत लो, आप PhD मत करो बेटा उस पर, है ना, जो बता रहा हूं उतना सुनते रहे बेटा, उतने से ही पेपर आता है, क्यों टेंशन ले रहा है ना। अपन डेविएट करेंगे ना तो फिर बहुत डेविएट कर जाएंगे, है ना, अच्छा नहीं है वो डेविएशन, प्लीज डू कंसंट्रेट, ओके। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पाइरोफॉस्फोरिक एसिड, दो एक एसिड से, दो फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया, तो नाम बन गया पाइरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम बन गया? पाइरोफॉस्फोरिक एसिड। कब? पारो कब बना? जब दो को एक को हीट किया तो पाइरोफॉस्फोरिक एसिड बना, ठीक है बेटा, जल्दी बोल दो, बात क्लियर है सब लोग को, ओके। अब एक ही यदि फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल मेरे पास होता, यदि मेरे पास एक ही फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल होता और इससे H2O निकाल देता, तो मेटा एक एसिड बन जाता, तो जो एसिड बनता वो कौन सा बनता? मेटा एक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। दो फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल से एक H2O निकालते हैं तो पारो बनती है, एक ही फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल से वाटर निकाल देते हैं तो मेटा एक एसिड बनता है। क्लियर है बेटा? मेटा शब्द का जनरली प्रयोग तब करते हैं जब एक एसिड से वाटर निकाल के जो एसिड बनता है उसके लिए अपन मेटा एक एसिड बोल देते हैं, जैसे मेटाबोरिक एसिड भी बोलते हैं अपन, है ना, मेटाबोरेट बोलते हैं, मेटाबोरेट बोलते हैं, है ना बेटा, या मेटाबोरिक एसिड बोलते हैं। बोरिक एसिड से H2O निकाल देते हैं, HBO2 बन जाता है, मेटाबोरिक एसिड उसको बोल देते हैं। इसी बार फॉस्फोरिक एसिड से H2O निकाल देते हैं एक मॉलिक्यूल से, तो मेटा एक एसिड बन जाता है, ठीक बेटा। चलो, अब इसके आगे आता है एक सॉरी हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में पारो जो तुम्हारे पास थी उसके बीच वाला ओ निकाल, जो पारो तुम्हारे पास थी, पारो फॉस्फोरिक एसिड था ना, अरे पाइरो फॉस्फोरिक एसिड जो था उसका बीच का ओ निकाल दो, पीपी के बीच में पीओपी लिंकेज था ना, उसको खत्म कर दो, बीच का ओ निकाल दो, तो हाइपो फॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा बेटा? हाइपो फॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा। क्लियर है? जल्दी बोलो, हाउ? क्लियर है? ओके, क्लियर है, ठीक है बेटा। फिर आता है एक पाइरो फॉस्फोरस एसिड। कौन सा आता है? पाइरोफॉस्फोरस एसिड, वो होता है H4P2O5। इसमें भी दो मॉलिक्यूल फॉस्फोरस एसिड से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देना है और जो स्ट्रक्चर बचेगा वो होगा H2P4O6। दो फॉस्फोरस एसिड मॉलिक्यूल से एक वाटर निकाल के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा H4P2O5 बनेगा, वो होगा पाइरोफॉस्फोरस एसिड।
क्या सबको यहां तक बात कंफर्टेबल है, क्लियर है सबको इतनी बात? ओके डन। अब सुनो बेटा, ये जो भी हमने पढ़े, अब यहाँ पे एक मेटाफॉस्फोरिक एसिड भी हमने पढ़ लिया था, अब एक, ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं। ये जितनी भी अपन ने ऑक्सो एसिड्स पढ़े हैं बेटा, इन ऑक्सो एसिड्स में हमें एसेंशियली एक चीज तो मिली है, और वो मिला है पी डबल बॉन्ड ओ और पी ओ एच बॉन्ड। कम से कम एक पी डबल बॉन्ड ओ और एक पी ओ एच बॉन्ड हमको सब में मिला है। सुन लिया सबने? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अभी तक आया नहीं है एग्जाम में, कभी भी आ सकता है। देखो बेटा मैं आपको एक बात, आप बहुत क्लियरली समझ लो मेरी बात को, बहुत ध्यान से आप सुनना। कई साल से पेपर एनसीईआरटी से आता है, कई साल से आता है, 40 क्वेश्चन तो हर साल आते हैं, ऐसा समझ लो आप, 40 क्वेश्चन तो हर साल आते हैं। इसका मतलब क्या, अपन को ये बात समझ में आती है कि देर आर सर्टेन गाइडलाइंस जो कि एग्जामिनर्स को दी जा रही हैं कि आप पेपर एनसीईआरटी के आसपास बनाओ। डू यू एग्री विथ मी? क्या इतना कॉमन सेंस आप में है कि नहीं? क्या आप में इतना कॉमन सेंस है कि नहीं है? यदि हर साल पेपर में आप 45 में से अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन तो आ ही रहे, लास्ट ईयर 45 में से 44 आ गए, ठीक, तो इसका मतलब एग्जामिनर के पास कोई तो गाइडलाइन है ना कि पेपर एनसीईआरटी से बनाओ, ठीक। अच्छा ये बताओ, पेपर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पेपर में सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो नहीं हो रहे, पेपर में सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे, रेयरली कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब जो भी इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा, हल्का सा दिमाग लगाएगा, तो उसे एक बात समझ में आएगी, ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं, मतलब दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अरे जब एग्जामिनर के पास तुच्छी छोटी सी एनसीईआरटी, अब वो बेचारा करे क्या, उसे इसी एनसीईआरटी से पूरा पेपर बनाना है, और इतने साल से पेपर भी आ रहा है, और वो ये देखेगा कुछ नया बनाए, तो क्या जो चीज इंपॉर्टेंट भी हो, पहले नहीं आई, उसके आने के चांसेस गोल्डन हो गए? कोई भी व्यक्ति कॉमन सेंस से इस बात को सोच सकता है कि नहीं सोच सकता है? सोचो। तो जो नहीं आया है उस पे हमको बहुत बहुत फोकस करना है, जो आ गया है उस पे तो करना ही है, लेकिन जो नहीं आया है उसको ऐसा नहीं सोचना है कि ये नहीं आ सकता है। मैं आपको बताऊं, अगले 10 साल तक भी यदि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पेपर बनाते रहे तो भी पेपर रिपीट नहीं होगा, एनसीईआरटी में बहुत स्कोप है। समझ लो, ठीक है? जब पेपर फंस जाए तो हमको थैंक यू बोल देना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। तो हर बार पी डबल बॉन्ड ओ और पी ओ एस तो आ ही रहा है, हर बार पी डबल बॉन्ड ओ और पी ओ एस तो आ ही रहा है। इसके अलावा द ऑक्सो एसिड इन विच फॉस्फरस हैज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जहां पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वहां पर पी डबल बॉन्ड ओ और पी ओ एस तो है ही, लेकिन या तो पीपी लिंकेज बन जाता है या पीएच लिंकेज बन जाता है, पर दोनों एक साथ कभी नहीं होते। मेरी बात को समझ बेटा, जो भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं उसमें फास्फोरस डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, टेट्राहेड्रली हमने देखा है ना, लेकिन जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं वहां पे ओ हट गया था। तो या तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट करनी है तो पीपी लिंकेज बना दो, तो ओ की जगह पी आ जाएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट अपने आप गिर जाएगा, या पीएच लिंकेज बना दो, बीच से ओ को हटा दो। लेकिन कभी भी स्ट्रक्चर में पीपी लिंकेज और पीपी लिंकेज और पीएच लिंकेज एक साथ नहीं आता, ठीक है बच्चे? हाँ क्या सबको बात चमक गई है? पीपी लिंकेज कहाँ पढ़ा था आपने? क्या आपने हाइपो पाइरो फॉस्फोरिक एसिड में पढ़ा था पीपी लिंकेज, है ना? तो द एसिड विद प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फरस टेंड्स टू डिस्प्रोपोर्शनेट टू हायर एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। जो प्लस 3 में होते हैं उनमें डिस्प्रोपोर्शन हो सकता है, प्लस 3 में भी हो सकता है बेटा, प्लस 1 में भी हो सकता है, और 0 में भी हो सकता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसलिए बच्चों ये अगेन एक ऐसी चीज है जो कि इस साल फिर आ सकती है, वो ये अत्यंत महत्वपूर्ण लाइन है, अत्यंत महत्वपूर्ण लाइन है। मेरी समझ में तो 5 साल में ही आ भी चुका है, H3PO3 को हीट करने पे H3PO4 और फॉस्फाइन बनता है, ठीक है बच्चों? आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़े तो द एसिड विच कंटेन पीएच बॉन्ड, जिसमें भी पीएच बॉन्ड होता है उसमें रिड्यूसिंग पावर हो जाती है, ठीक है बेटा? तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होती है H3। ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी टपक सकता है। सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर होता है H3PO2 का, उसके बाद होता है H3PO3 का,
और H3PO4 में रिड्यूसिंग पावर नहीं होता है, लेकिन ऑर्डर में हम यहाँ पर H3PO4 लिख सकते हैं। अरे बोलो आया कि नहीं आया, क्लियर है बेटा? क्योंकि यहाँ पर पीएच लिंकेज ज्यादा है पहले वाले में, और कमाल की बात यह है कि इनका एसिडिटी का ऑर्डर भी यही है। नॉर्मली जब सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, यहाँ पर उल्टा है। दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ ऑक्सी एसिड्स, याद आ गया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी दिन टपक सकता है। तो एसिड बेटा याद रहेगा सबको, एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर भी यही है और रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर भी यही है। ओके, अब देखो ये दे दी नीचे रिएक्शन, बहुत ही काम की। AgNO3 का रिडक्शन करा दिया होगा इसने, Ag में रिड्यूस करा दिया होगा, तो इसने बना दिया AgNO3 plus 2H2O plus H3PO2 gives you 4Ag plus HNO3 plus H3PO4। AgNO3 में Ag plus का रिडक्शन Ag में करा दिया गया है। बोलो आया? पीएच बॉन्ड आयनाइज नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस फास्फोरस हाइड्रोजन के बीच बहुत 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 कम या जीरो होता है, ऐसा बोल सकते हैं। वैसे बहुत 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 कम होता है, ये बोलना ज्यादा सही होगा। इसलिए बेटा H3PO3 does not work like a, oh sorry, pH bond जहां पर होता है वहां पर H plus ion release नहीं होता है। इसलिए बच्चों H3PO4 tri-basic होता है, H3PO3 di-basic होता है और H3PO2 mono-basic होता है। क्या सबको याद रहेगा बच्चों? क्लियर है? तो ऑलमोस्ट ये खत्म भी हो गया और आज का टाइम भी हो गया। कल मैं आपके लिए चालू करूंगा ऑक्सीजन फैमिली। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब सारी पढ़ाई करते रहें। आप प्लीज वो देख लें, अभी उसका जो लेक्चर है, क्या नाम है उसका, सरफेस केमिस्ट्री का, थोड़ी देर में आपको सरफेस केमिस्ट्री 2 भी दे दूंगा। हाँ, इसका रिकॉर्डिंग आ जाएगा बेटा। अभी आप पहले सरफेस केमिस्ट्री 1 और 2 देख लो, उसके बाद मैं आपको इसका सेकेंड पार्ट अपलोड कर दूंगा, ठीक है बेटा? लेकिन पहले ये दोनों देख लो, सरफेस केमिस्ट्री 1 और सरफेस केमिस्ट्री 2, ठीक है? और इस हफ्ते में अपन को सरफेस केमिस्ट्री कर लेना। नंबर मैंने आपको बता दिया है, जो जुड़ा हुआ नहीं है वो इस नंबर